महाविकास आघाड़ी सरकार द्वारा काटे जा रहे बिजली कनेक्शन और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर मंगलवार को विरोधी पक्ष उपगट नेताओं ने आंदोलन किया, जिस दौरान उन्होंने महाविकास आघाड़ी सरकार का निषेध भी किया। कोरोना की पार्श्वभूमि पर एक साल पहले राज्य सरकार द्वारा आम जनता को बिजली बिल रियायतों का आश्वासन दिया गया था, लेकिन बाद में सरकार के आश्वासन झूठे साबित हुए। साथ ही जिन लोगों ने बिजली बिल नहीं भरा उन लोगों के सरकार द्वारा बिजली कनेक्शन भी काटे गए। इसके विरोध में मंगलवार को विरोधी पक्ष उपगट नेताओं ने आंदोलन किया। इस दौरान उन्होंने राज्य में चल रहे ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर भी अपनी राय स्पष्ट की। अच्छा, या प्रसंगी बनल म्हणजे जे महाराष्ट्रामध्ये घडून राहिला शेतकऱ्यावर मोठ्या प्रमाणात अन्याय होत आहे, कारण त्यांचे जे यावेळेस जे सरकारनं करोनाच्या याच्यामध्ये जे आश्वासन दिले होते का बिजली बिल आम्ही कापून नाही बा, कास्तकारावर व घरगुती जे जनसामान्य लोकांवर अन्याय करून राहिले, आणि त्याच्यानंतर ओबीसीचा जो मुद्दा होता जे बनलं म्हणजे कोर्टामध्ये होता त्यावर सरकारनं योग्य असा निर्णय नाही घेतला, त्यामुळे कधी थोडा लोक डिस्क्वालिफाईड झाले असा सरकारचा जो निर्णय नाही घेऊ शकत, कोणत्याच प्रकारचे म्हणलं म्हणजे ऍक्शन म्हणजे कोणत्याच प्रकारची ऍक्शन घेऊ नाही शकत असा सरकारला धिक्कार म्हणजे निषेध आम्ही या ठिकाणी काढे 11 जण निषेध करत आहोत। आपलं नाव समजा? व्यंकटेश कारेमोरे। इस वक्त विरोधी पक्ष उपगट नेताओं द्वारा सरकार का नारे लगाकर निषेध किया गया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ दिशा हटवार, BC News नागपुर।